अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके माय यूट्यूब फैमिली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन अस्का ठीक नहीं है। अस्का की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए दो तीन दिन से मैं वीडियो तो बना रही हूँ लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि सेकेंड टाइम फिर उसके जो ज़ख़म वगैरह है उनको साफ़ करना, वैसे तो मैं सुबह सुबह कर देती हूँ, फिर दिन में दो तीन बार उसको देखना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो बिस्तर पे लेटी भी है, तो बस उसके साथ बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अल्लाह ना किसी के साथ करे, बस बहुत ज़्यादा जल गई है और ज़ख़म भी आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगे। टांगों पे ज़ख़म है, उसके पाँव पे काफ़ी ज़्यादा छाले थे, तो फिर ड्रेसिंग वगैरह की है उन्होंने, उससे काफ़ी तकलीफ़ हुई है उसको बहुत ज़्यादा। बस फिर अभी बिस्तर पे है और मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, क्योंकि आपको पता है अस्का थोड़े बहुत मेरे काम हैंडल कर लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल बिस्तर पे है। वो वीडियो वगैरह भी नहीं कर रही, वीडियो भी मैंने बेटे को कहा है वो डाल रहा है, और आप लोग उसके लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसे दोबारा से ऐसे ही कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा, और देखो क्या होता है। मैंने कहा चलें व्लॉग बना के आपको इन्फॉर्म कर दूं, वैसे तो मैंने अपने दोनों चैनल्स पे आपसे बात करके उसे इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को, तो आज दिल नहीं कर रहा कुछ वीडियो बनाने को, कुछ क्रम्बलिंग करने को, बस उदास हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और मौसम भी बहुत उदास है, ये देखें बहुत ज़्यादा उदास मौसम है। बारिश होने वाली है, कल तक हो जाए या फिर शाम तक हो जाए कोई पता नहीं, और ये देखें मेरा इतना काम है, ये सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी करनी है, सेट करनी है, उसके बाद फिर इनके ऊपर तरपाल डालनी है, बहुत ज़्यादा काम है मेरा, तो ये काम ही बहुत है। वो देखें यहाँ शीट पड़ी है, दो टेक्सचर में उससे बनाए ही नहीं गए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना। ये आज बनाए हैं, ये वाले बनाए हैं आज ठीक है, वो कल बनाए थे वो भी नहीं ड्राई हुए, वो भी कल बनाए थे वो भी नहीं ड्राई हुए, ये परसों बनाए थे ये नहीं ड्राई हुए, क्योंकि मौसम जो है ना 5-6 दिन से ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और वो एंड पे पड़े हैं, वो देखें, वो भी मैंने कल बनाए थे परसों बनाए थे, वो भी अभी गीले हैं, और ये बनाया मैंने नया टेक्सचर आज बनाया, मड का बनाया था, तो मैंने फिर उसी तरह इसको मैंने रेक्टेंगल शक्ल में मैंने इसको किया है, देखो इसके चंक निकलेंगे कि नहीं, वो तो निकल गए हैं गोल वाले, वो देखें जो हमने बनाए थे ना, ये तो हो गए तैयार, लेकिन ये भी ड्राई नहीं हुए, ठीक है। जो ये ड्राई होंगे थोड़े थोड़े तो हुए हैं, हम थोड़े से तोड़ तो सकते हैं, ये वैसे मैंने आज डाले हैं चंक्स, लेकिन वही बात है किसी ने देखे ही नहीं। मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा, मड का जो मेरा टेक्सचर है ना, मुश्किल से मैं बनाती हूँ और व्यूज़ उस पर बिल्कुल नहीं आते। क्रम्बलिंग पर ज़रा चेक करें क्या व्यूज़ है, इतनी अच्छी मैंने वीडियो बनाई है आज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, और इतनी मुश्किल से ये ड्राई होते हैं, और ये देखें ये रेड चंग पड़े हैं, और ये भी ड्राई नहीं है, ये भी ड्राई नहीं है, और ये ब्राउन डर्ट है, ये भी ड्राई नहीं है। इनको मैंने टप्पों में डाल दिया था, मैंने कहा किसी टाइम भी बारिश हो जाएगी, तो इसीलिए टप में पड़े हैं आज सुबह से। वैसे तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ, लेकिन आज ये सुबह से ना टप्पों में ही हैं। बस थोड़ी बहुत क्रम्बलिंग करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी, और अस्का कल तो थोड़ी बहुत बात भी करी थी, आज तो चुप करके लेटी हुई है, वो उदास है बहुत ज़्यादा, कहती मामा मैं कब खड़ी होंगी, बहुत उदास है, मुझे भी रुला देती है वो, तो बस उसकी वजह से थोड़ी टेंशन बनी हुई है कि ज़रा सी लापरवाही से, लापरवाही भी नहीं, बस जो किस्मत में होता है वो होता है, उसके नसीब में था इसी तरह चोट लगनी, यूं गई है नहाने के लिए और यूं फिसली है तो नीचे, और बाल्टी के साथ लग जा पाऊँ तो बाल्टी उसके ऊपर, हाय हाय ज़रा सी लापरवाही से काम ख़राब हो गया, पता नहीं कब ठीक होगी मेरी बेटी। चलें मैं अब थोड़ी सी आपको दिखा दूं, क्रम्बलिंग वगैरह कर लेते हैं थोड़ी सी, और मैंने कहा था छोटा सा व्लॉग बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और दिल तो नहीं आज बनाने का, लेकिन आप भी मेरे साथ हैं ज़ाहिर है, थोड़ी बहुत तो मैं करके दिखाऊंगी आपको। ये मेरा ट्राईपॉड का भी एंड हो गया, ये पता नहीं कब अब ख़राब हो जाए और फिर रह जाऊँ मैं भी, उनके हालात ऐसे ही चल रहे हैं, क्या करें, कोई चीज़ नहीं आ सकती। चलें हम इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी क्रम्बलिंग, और ये मेरा है
कंक्रीट वाला टेक्सचर, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंक्रीट इसमें है और ज़्यादा कंक्रीट है। एक तो होता है ना थोड़ा सा कंक्रीट शामिल होता है, इसमें ज़्यादा कंक्रीट शामिल है। और ना टेक्सचर आजकल सूख नहीं रहे, क्योंकि मौसम जो है ना सारा दिन तो बादल रहते हैं, तो मौसम की वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि अब चार वीडियो भेजनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूखती नहीं है, एक भी वीडियो नहीं सूखती, एक भी टेक्सचर नहीं सूखता, तो चार कैसे डालूँ। लेकिन आज भी मैंने डाल ही दी किसी ना किसी तरह करके, तो लेकिन मुश्किल हो रही है। देखें ये थी कितने दिन से पड़ा टेक्सचर, लेकिन ये भी ना आधा गीला है आधा सूखा है। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह मैं अगर कल ना कर सकी व्लॉग डाल सकी तो आप समझ जाइएगा कि असका की वजह से नहीं डाला, क्योंकि जाहिर है वो बिस्तर पे है, उसको भी देखना, मेडिसिन देना उसको और उसकी ज़ख्मों को देखना, उनकी ट्रीट करना, तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, चलें थोड़ा सा उधर चलते हैं, हैंड पे थोड़ा सा मुझे मुल्तानी मिट्टी ये थोड़ी सी अच्छी लगती है करनी। ये पहुँच गए हम यहाँ पे, ये ड्राई नहीं है, ये छोटे छोटे चंक्स देखें, ड्राई तो हुई है, थोड़ी सी गीली है, थोड़ी सी ड्राई है। ये बहुत सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई है ये, अल्लाह करे वो जो मैंने गोल गोल बनाया वो भी ऐसे ही मज़े के बने। ये गोल गोल के साथ जो जुड़े हुए थे ना ये वो हैं चंक्स, एक तो मैंने गोल गोल निकाल लिए थे जो बने थे ना बचे थे वो, ये चंक्स हैं। देखिए मैंने ये दो टेक्सचर मेरे रोज़ रह जाते हैं बनाने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ रह जाए ना वो फिर बार बार रिपीट होती है, वो नहीं बनती, उसके बदले दूसरे टेक्सचर बन जाते हैं या वो बन जाती है दूसरे रह जाते हैं, क्योंकि चार वीडियो बनानी उनके टेक्सचर साथ बनाने बहुत मुश्किल है, और अगर बना भी ले बंदा फिर जो पिछले पड़े होते हैं वो रह जाते हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मैं सारे टेक्सचर बना के रखती हूँ ना, तो कल पे नहीं छोड़ती। लेकिन ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला टेक्सचर जो पड़े हैं अभी तक भी, मैं देखें कितने मज़े का टेक्सचर है ये यार, ये देखते ही कोई नहीं है, कोई कोई लोग हैं जो पसंद करते हैं मुझे लगता है, लेकिन और लोगों की तो इतनी ज़्यादा देखी जाती है मुल्तानी मिट्टी, इतनी ज़्यादा मैं जो बनाती हूँ पता नहीं क्यों नहीं देखी जाती, हालांकि मेरा कोई सॉफ्ट है, मेरे हार्ड भी नहीं है, ये देखें ना, उसके बाद भी लोग नहीं देखते, फिर दुख होता है ना इतनी मेहनत के बाद आपकी कोई चीज़ पसंद ना की जाए, तो फिर दिल करता कि ना ही बनाए बंदा। ठीक है, ये हो गया, चलें आप रखें अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद में, मैं आपको टेक्सचर दिखा दूं ये जो मैंने नहीं बनाया अभी तक भी। ये दोनों चारकोल के हैं, एक तो प्योर चारकोल है और एक ग्रिटी चारकोल है, ये देखें ये देखें ये देखें, ये ग्रिटी चारकोल है और वो जो कैंड पे पड़ा है ना वो प्योर चारकोल है, वो देखें ये मुझसे नहीं बना अभी तक भी, मिलता सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर जाता है, फारिग हुई हूँ मैं सुबह से लगे 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 लगे, तो वो जो टेक्सचर पड़ा हुआ है वो भी नहीं एंड सूखा, ये भी नहीं सूखा, वो भी नहीं सूखा, वो भी नहीं सूखा, सारा कुछ गीला पड़ा हुआ है, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ है ना इस वजह से। चलें ठीक है, आप अपना रखें बहुत सा ख्याल, असका के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, मुझे उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे दोबारा से सेहत याब करे, दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो, फिर इंशाल्लाह जब वो ठीक होगी तो फिर इंशाल्लाह हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, कुछ आपको भी शामिल करेंगे उसमें। ठीक है, अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जल्दी से मेरी बेटी ठीक हो जाए, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसको। ठीक है, आप अपना रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।